चलिए आज हम 5 KB स्टेपलाइजर को पूरा कंप्लीट बनाना सीखेंगे, उसके एक एक पार्टों को सीखेंगे, किस प्रकार से हम एक नया स्टेपलाइजर असेंबल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका कनेक्शन किया जाता है, सब कुछ एक एक भागों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एक स्टेपलाइजर जो है वो कार्य करता है, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उसके प्लेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख पाएंगे 2 वोल्टमीटर प्रयोग किया गया है, जिसमें हमारा एक इनपुट का वोल्टमीटर होगा और एक आउटपुट का वोल्टमीटर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इनपुट का जो वोल्टमीटर है वो 500 तक है और जो आउटपुट का वोल्टमीटर है वो 300 तक है, क्योंकि ये ऑटो कट वोल्टमीटर और बीच में एमसीबी प्रयोग किया गया है। इनपुट 500 मतलब ये 500 वोल्ट लाइट आएगी तब भी बताएगा और जो आउटपुट है वो तो 300 के अंदर ही रहेगा, 220 वोल्ट ऑटोमेटिक आउट करेगा। और कनेक्शन तार जोड़ने की बात करें तो दोनों वोल्टमीटर में 2 वायर होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका देखिए ये जो नीचे का प्लेट है उसमें हम ट्रांसफार्मर रखेंगे और जो ट्रांसफार्मर रखने की हम जगह इसको बना लेते हैं, किस प्रकार से के जो एक एक पार्ट है, जो रिले है और जो छोटा ट्रांसफार्मर है, जो बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसको हम कहां पर रखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जगह बनाना होगा। ये ट्रांसफार्मर को देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ना थोड़ा भारी होता है और भारी का मतलब ये है कि ये लगभग 20 किलो का होता है और ये जो रिले का पॉइंट है देखिए इसको हमें थोड़ा थोड़ा मोड़ करके हम इसलिए लगाते हैं इसको कि क्योंकि अगर हम मोड़े नहीं रहेंगे तो एक रिले के बगल में ही दूसरा रिले देखिए नज़दीक रखा जाता है, ये जो दोनों पिन साइड में वो आपस में जा करके टच हो जाती है, सट जाती है। तो इसी प्रकार से जो पाँचों रिले हैं, इसमें टोटल 5 रिले लगेगा, तो पांचों रिले का जो साइड वाला पॉइंट है अभी यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट को मोड़ करके और उसको हम क्या करेंगे इसी प्रकार से रख देंगे। देखिए जहां पे हमें स्टेबलाइजर में रखना है इतने ही जगह में पूरा को एडजस्ट करना है, तो उसी प्रकार से हम इसको सही दिशा में रख करके मोड़ करके देखिए केवल रख रहे हैं, यहां पर अभी कोई स्क्रूप वगैरह टाइट नहीं हो रहा है, सिर्फ वहां पर रखेंगे और स्क्रूप लगाने की हम जगह बनाएंगे। उससे पहले यहां पर देखिए हमारे पास 2 छोटे ट्रांसफार्मर का भी यूज करेंगे, जब हम नया खरीदते हैं तो ये पॉइंट इसी तरह से साइड में मुड़ा होता है। अब देखिए ये छोटा जो ट्रांसफार्मर है ये 909 का ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि 9 × 18 × 36 वोल्ट का हम इसको बना लेंगे। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसी प्रकार से हम दोनों ट्रांसफार्मर को भी रखने का जगह बना लेंगे और सभी जो पार्ट हैं देखिए इसमें 5 रिले, एक बड़ा ट्रांसफार्मर और 2 छोटे ट्रांसफार्मर। अब ये हम सब रखने के लिए यहाँ पर जगह बना ली, इसका हम कनेक्शन को भी अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने जगह बना लिया, अब हम क्या करेंगे कोई मार्कर या फिर पेन ले करके इसके जहाँ जहाँ इसमें स्क्रूप टाइट करने के लिए पॉइंटर बने होंगे उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसमें निशान लगा लेंगे। देखिए ये जो निशान लगाएंगे ना एकदम ध्यान से लगाएंगे कि इसी जगह पर बाद में हम सेट कर देंगे, क्योंकि इसमें ड्रिल नहीं किया गया होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि छिद्र नीचे प्लेट में बना होता है, इसको हम अपने से बनाएंगे अपनी जरूरत के अनुसार। तो देखिए एक एक को निशान लगाते रहेंगे और एक एक उठा करके साइड में रखते रहेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा निशान भी लगता रहेगा और ये जो है प्लेट वो खाली होती रहेगी। और जब पूरा निशान हम यहाँ पर कंप्लीट लगा लेंगे उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इसको ड्रिल मशीन से ड्रिल करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सभी को एक एक रिले को हमें सबको लगा लेना है, पेन से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मार्कर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमें दिखना चाहिए निशान। और ये जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है इसके लिए भी टोटल 4 लगते हैं, टोटल 4 इसमें स्तंभ होते हैं, यानी 4 स्क्रूप लगता है, तो चारों तरफ से हम क्या करते हैं इसके लिए भी हम यहां पर लगा लेते हैं। ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर का वेट लगभग 20 किलो से ऊपर ही है, ये भारी है, इसीलिए उठाने में इसको खड़ा होकर के उठाना पड़ता है। तो देखिए इसमें हमने निशान लगा लिया, अब जब प्लेट में कंप्लीट निशान लगी गया तो हम यहां पर हैमर का प्रयोग कर रहे हैं और इसी के द्वारा हम यहां पर क्या करेंगे ड्रिल के द्वारा इसमें हम छिद्र बनाएंगे, जो इसकी प्लेट है उसमें हम छिद्र बनाएंगे और जितना भी हमने निशान लगाया है उन्हीं जगहों पर बनाएंगे। जगह पे बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया, यहां पर नीचे एक लकड़ी का प्रयोग किया, क्योंकि अगर नीचे की जगह जो फर्श से ड्रिल पार कर जाएगी तो नीचे जो है वो फोड़ देगी, खराब कर देगी, इसीलिए यहां पर इसको हम लकड़ी पर रख करके और ड्रिल के द्वारा देखिए इसको हम क्या करते हैं जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा करके छिद्र बना लेते हैं जितना हमें बनाने की आवश्यकता है। तो यहां पर जितना भी हमने निशान लगाया टोटल सभी में बनाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे देखिए पीछे की साइड में इसी प्रकार से हमें बनाना है, नीचे लकड़ी रखना जरूरी हमने आपको बता दिया, क्योंकि नहीं तो नीचे का जो प्लेट होगा, नीचे का जो पक्का होगा वो फूट जाएगा, तो वो सही तरीके से यहाँ पर हमें बनाने के लिए इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको हम जल्दी जल्दी आपको बना करके दिखा देते हैं, तो जितना भी इसमें छिद्र बनाएंगे टोटल सबको कंप्लीट करेंगे और जितना भी हमने निशान लगाया वही हमें इसमें बनाना है, तो सभी को हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको कंप्लीट दिखाते हैं। देखिए जब हमारा यहाँ पर इस प्रकार से सभी में हमने ड्रिल कर लिया और सारे छिद्र बन गए, तो अब हमें क्या करना होगा इसको देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लायर लेकर के ये जो ड्रिल किया हुआ लोहे का प्लेट है ना ये पीछे की साइड में निकला होता है, तो हम क्या करते हैं इसको पहले पीछे से जो निकला हुआ पॉइंट है उसको इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके सभी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद में स्क्रू को टाइट करने में दिक्कत होगी, इसीलिए सभी को हमें क्या करना होगा बारी बारी से एक एक को तोड़ देना होगा और सबको हम बराबर बराबर से तोड़ देंगे और बढ़िया तरीके से बाद में जब ये टूट जाएगा पूरी तरह से तो हम क्या करेंगे इसको हैमर के द्वारा इसको हम बढ़िया तरीके से ठोक करके भी फिट कर देंगे।
तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हैमर से इसको पीछे से नीचे से लकड़ी लगा करके या हैमर लगा करके दूसरा हम इसको ठोंक देंगे, सभी को बराबर तरीके से ये जो प्लेट है वो प्लेन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्क्रूप लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर हम पीछे का लोहा बिना तोड़े अगर इसको ठोंक देते तो क्या होता है, ये जो स्क्रूप का छिद्र बना हुआ है ये छोटा हो जाता, वो लोहा फिर से उसी जगह पर सीधा हो जाता और ये छोटा हो जाता, इसीलिए हम यहाँ पर तोड़ करके और इसको पेचकस से फिर से हम बराबर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारे सभी छिद्र वो तो बन गए, अब हमें इसमें लगा देते हैं नीचे का जो चारों सबसे पहले जो इसका स्टैंड है यानी जिस पर हमारा स्टेबलाइजर टिका रहेगा ये डायरेक्ट नीचे न टच हो जाए, इसीलिए यहाँ पर चार स्टैंड लगाते हैं। देखिए नीचे ये प्लास्टिक का प्लेट की तरह होता है और ये भी स्क्रूप लगा करके इसको हम टाइट कर देते हैं। तो ये जो स्टैंड लगता है ये टोटल चार लगते हैं, जिसकी वजह से स्क्रूप जो है हमारा स्टेबलाइजर जो है वो नीचे बॉडी में न टच हो, और बॉडी में टच होगा तो बॉडी अर्थ आ सकता है, नमी के कारण स्टेबलाइजर जो हमारा खराब हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसमें जो चार पाव है इसके चार स्टैंड है उसको हम लगा देते हैं। और सबको लगा करके स्क्रूप के द्वारा हम बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर देंगे, हिले डुले ना पूरा, और इसके अंदर वार्सल भी लगा देंगे और बढ़िया तरीके से इसको पूरी तरह से टाइट कर देंगे। और जब ये पूरी तरह से देखिए टाइट हो जाए, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले जो हम रखेंगे वो ट्रांसफार्मर रखेंगे। तो सारे स्क्रूप को हमें ध्यान दे करके इसको टाइट करना है बढ़िया तरीके से, और चार ही नट लगे होते हैं इसमें, चार स्टैंड लगे होते हैं तो चार ही नट लगे होंगे, तो उन्हीं के ऊपर इसको हम बढ़िया तरीके से टाइट करते हैं। अब उसके बाद देखिए इसका जो ट्रांसफार्मर है हमें उसको उठाना है और इसी पर रखना है। ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए फिर से बताएं आपको, ये भारी होता है इसीलिए, तो इसको हम सही जगह पे रखेंगे, जहां पे हमने छिद्र बनाया हुआ था उसी जगह पर हम इसको रख देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए अब हमारा जो स्क्रूप है हम इसको टाइट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। इसमें टोटल चार स्क्रूप लगते हैं, स्टैंड देखिए इसका जो है चार है तो चारों जगह पर लगते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें चारों जगह पर अपना लगा लेंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर है, और नीचे का जो स्टैंड देख पाएंगे वो इसी प्रकार से कुछ उठा हुआ है, जो बॉडी है अब वो नीचे टच नहीं हो रही है, यानी वो जमीन में टच नहीं हो रही है, बॉडी जो है वो स्टैंड पे अब खड़ी हो चुकी है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना वो थोड़ा सा आवाज करता, तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा कागज का टुकड़ा वगैरह लगा देते हैं जिसकी वजह से ये आवाज नहीं करेगा। तो ये ऊपर से हम साइज मिला करके इसको थोड़ा सा फाड़ लेंगे और बाद में नीचे रख लेंगे, इससे क्या करेगा जो हमारा ट्रांसफार्मर है जब काम करेगा तो जो आवाज करता है जो वाइब्रेट करता है वो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से साइज का हम कागज फाड़ने के बाद ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा उठा करके नीचे रख देंगे, तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है वो ये डायरेक्ट कागज में टच हो जाएगा और डायरेक्ट बॉडी से थोड़ा सा दूरी पे बना रहेगा, थोड़ा सा वाइब्रेट भी करेगा तो ये एडजस्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को रख लिया, और अब ट्रांसफार्मर के चारों जो स्क्रूप हैं इसमें जो नट लगे हैं उसको हम सबसे पहले टाइट कर लेंगे। तो चारों स्क्रूपों को देखिए बढ़िया तरीके से हम क्या करते हैं इसमें सीधे टाइट कर लेते हैं और कंप्लीट बना करके आपको इसको हम दिखा देते हैं। अब देखिए जब हमारे स्क्रूप टाइट हो जाए उसके बाद हमारे पास रिले जो है, जो भी पांच रिले इसमें टोटल है, तो पांचों रिले को हम क्या करेंगे अपनी जगह पे लगा देंगे इसको बढ़िया तरीके से, जो भी हम नट जो भी हम ड्रिल मारे हैं तो पांचों के नट को लगा करके हम इसको इस प्रकार से टाइट कर देंगे। नीचे से नट का साइड डालेंगे वार्सल लगा करके और ऊपर से जो इसका बोल्ट है उसको हम लगा के टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, और बोल्ट जो है वो देखिए लगता नहीं है, इसके अंदर जो लोहे का प्लेट है ना उसी में चूड़ियां बनी होती है तो उसी में ये टाइट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम सभी को लगा लेंगे कि जब हमारे सारे स्क्रूप लग जाएं तो हम नीचे से भी इसको बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना। अब देखिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, और देखिए ये जो दो ट्रांसफार्मर है ये दोनों के दोनों 909 का है। इसके अंदर जो दो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं 909 और 909 यानी दोनों बराबर पावर के हैं, तो ये कैसे कार्य करते हैं वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। कि देखिए 909 का मतलब ये होता है कि एक ट्रांसफार्मर में एक साइड में जानते हैं कि तीन तार निकला होता है और दूसरी साइड में दो ही तार निकला होता है, दोनों एक ही जैसे हैं, तो जिसमें दो तार निकला होता है ये दोनों रेड कलर का जो वायर निकला होता है, तो इसमें 220 वोल्ट की एसी सप्लाई होती है, यानी कि यहां पे सप्लाई को इन कराया जाता है, यानी ये दोनों जो पॉइंट है वो इन के होते हैं, और ये जो आउट वाला पॉइंट है इसमें देख पाएंगे तीन पॉइंट निकले होते हैं। तो ये 909 का मतलब ये होगा कि ये 9 है और ये बीच वाला 0 है और ये वाला 9 है, यानी कि अगर देखिए आप ये 9 वाले के एक तार को और ये 0 वाले के एक तार को अगर इन दोनों को लेकर के आप कनेक्शन करते हैं तो यहां पर 9 वोल्ट आपको मिलेगा, 9 वोल्ट, यानी यहां पर 9 वोल्ट मिलेगा। अगर आप 0 वालों को काट देते हैं, यानी ये जो 0 वाला है बीच वाला इसको काट देते हैं यानी इसको हटा देते हैं, तो ये वाला और ये वाला यानी 9 और 9 मिल करके ये दोनों टोटल आपको 18 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार से इसलिए हम क्या करते हैं ये जो बीच वाला वायर है ये काट देते हैं और दोनों में काट देते हैं। देखिए इस वाले में भी काट देंगे और आगे वाले में भी हमने काट दिया, तो यहां पर भी हम इस बीच वाले को काट देते हैं और ये दोनों वायर फिर ले लेते हैं। तो देखिए ये भी 9 और 0 यानी ये 9 और 9, यहां पे हम 0 को तो हटा
हटा दिए, जीरो वाले को काट दिए, तो 9 और 9 ये 18, तो ये दोनों देखिए अब हमारा 18 18 बोल्ट बन चुका है, यानी कि यहां पर भी 18 बोल्ट की सप्लाई हमें मिलेगी और यहां पर भी 18 बोल्ट की ये डीसी सप्लाई मिलेगी और इधर से 220 बोल्ट दोनों में एसी सप्लाई जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए 909 का मतलब यही हुआ कि जीरो का मतलब ये बीच वाला वायर है, इसलिए हम बीच वाले वायर को काट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये पूरी तरह से लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है एक साइड में तीन तीन तार निकले हुए थे, एक साइड में दो दो तार निकले हुए थे, तो जिधर तीन तार निकले हुए थे उधर की साइड के बीच वाले वायर को हम इसको काट के निकाल दे रहे हैं। ये 909 हमने बताया था, तो जो जीरो वाला वायर है, जो बीच वाला वायर है, उसको हम काट करके निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम जो बचा हुआ देखिए दो दो तार अब दोनों तरफ हो जाएंगे, जिधर तीन तार थे वो आउटपुट होता है और जिधर दो ही तार होते हैं वो इनपुट होता है और जिधर इनपुट होता है उसमें रेड रेड वायर होते हैं। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ देंगे। अभी हम आपको धीरे आराम से दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया गया, देखिए अंदर को अंदर में जोड़ दिया गया, यहां पर बाहर टोटल चार तार थे रेड को, तो अंदर को अंदर में, यहां पर आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, देखिए अंदर को अंदर में जोड़ दिया गया और जो बाहर पीछे वाला। देखिए हम क्या करेंगे कि अंदर के 9 9 को हमने क्या किया, देखिए एक ही में जोड़ देंगे और ये जो बाहर वाला 9 बचता है इसको हम बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास देखिए ये दो तार निकलेंगे जो कि हमारा ये 9 2 18 2 ये 36 वोल्ट हमारा डीसी निकलेगा। तो यहां पर हम देख पाएंगे ये 36 वोल्ट का हमारा डीसी हो गया और इधर के पॉइंट को, इधर को भी हम अंदर अंदर को यहां पर एक ही में जोड़ देंगे, सीरीज में बना देंगे और ये जो दो, ये जो पॉइंट था इधर का लास्ट वाला और इधर का लास्ट वाला, ये दोनों हम यहां पे बाहर निकाल देंगे, जो जो कि यहां से सप्लाई को हम इन कराएंगे। उधर भी हमने सीरीज कर दिया, यानी उधर को भी बीच वाले को बीच में जोड़ दिया गया, यानी दो तार उधर भी बन गए, अब दो तार इधर, टोटल दो ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी। अब देखिए इसके प्लेट को हम समझ लेते हैं, कनेक्शन को भी फिर से हम समझेंगे। प्लेट में देखिए पीछे दो जंक्शन पॉइंट लगेंगे, जंक्शन पॉइंट वो होगा जो एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, मतलब एक पे लाइट आएगी और एक से लाइट जाएगी। तो जो इनपुट होगा कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी आउटपुट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम स्क्रूप लगा करके बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। ये पीछे का पॉइंट होगा, जंक्शन पॉइंट सिर्फ दो ही होगा, इसके अंदर कोई और नहीं लगता है, जैसे कि कोई फाइव पिन सॉकेट वगैरह तो लगती नहीं है। तो ऐसे ही इनपुट और आउटपुट पॉइंट होते हैं। तो यहां पर देख पाएंगे इसमें लिखा भी होता है कि इनपुट आउटपुट और इसके लिए कुछ यहां पर निर्देश लिखे होते हैं और उसी के नीचे देख पाएंगे तीन तीन छिद्र बने हुए हैं जो कनेक्शन करने के लिए काम में आते हैं। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट का जो प्लेट है ये हमारा बना होता है, जो कि ये पीछे साइड में लगा होगा कनेक्शन के लिए। दोनों साइड में देखिए नीचे से इन, ऊपर से आउट, दोनों में होता है, यानी दोनों में चार चार स्क्रूप दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे सामने का जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये जो सामने का भाग है जो हमारे स्टेबलाइजर का, ये सामने का जो वोल्ट मीटर है इसको हम लगा लेते हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था, इसके बारे में बताया था कि इसमें दो वोल्ट मीटर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। जो इनपुट होता है वो 500 वोल्ट तक होता है और जो आउटपुट होता है वो 300 वोल्ट तक होता है। 500 का मतलब लाइट ज्यादा से ज्यादा 500 तक आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो आउटपुट है ये ऑटो कट है ना, कि 300 से ऊपर तो आउट करेगा नहीं, तो इसलिए यहां पर हम 300 वोल्ट तक का यूज कर रहे हैं, इनपुट में 500 वोल्ट और आउटपुट में 300 वोल्ट। और बीच में एमसीबी का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर जिस हम एमसीबी का लगा रहे हैं वो 32 एम्पीयर की एमसीबी है, उसके ऊपर देख पाएंगे ये छोटा सा पॉइंट है ना, इसमें हम छोटा सा एलईडी बल्ब यूज करेंगे जो कि जिसमें लाइट जलेगी। दो कलर वाला बल्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि रेड और ग्रीन जलेगा, यानी कि ग्रीन जलेगा तो नॉर्मल लाइट आउट हो रही है और ओवर लाइट होने पर क्या करेगा, इसमें रेड कलर का भी जलेगा। तो इसी प्रकार से अभी हम उसको लगा कर के भी आपको दिखाते हैं। और जो एमसीबी का पॉइंट है देखिए हम इस प्रकार से इसमें लगा लेंगे। एमसीबी को लगाने के लिए हम यहाँ पर पीछे की साइड में जो प्लेट प्रयोग करेंगे, देखिएगा अभी कुछ हम अलग तरीके से इसको बना करके यूज करते हैं। 32 एम्पीयर की एमसीबी है, एमसीबी का कार्य क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट कर देना, यानी कि कहीं से अगर लाइट आ रही है एकाएक और बहुत तेज आ गई, शॉर्ट सर्किट कहीं हो रहा है तो कट कर देगा। जो बल्ब है इसमें देखिए तीन पॉइंट वाला बल्ब है, यानी बल्ब के अंदर जो तार जोड़ने का पॉइंट है वो तीन है और जो बीच वाला पॉइंट है वो बड़ा होता है। देखिए तो बड़ा होता है मतलब उसमें न्यूट्रल यानी उसमें माइनस वाली सप्लाई जाएगी और जो साइड साइड में होता है उसमें प्लस की सप्लाई जाएगी, दोनों में कलर अलग अलग होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी को पूरी तरह से लगा करके पीछे वाली बॉडी को सेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर देखिए टोटल जो ये मोटे तार हैं ये 5 निकले हुए हैं, जिसमें न्यूट्रल अलग निकला हुआ है और जो एलटी वाले दो वायर हैं वो अलग निकले हुए हैं। तो सभी वायर को सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से इंसुलेटर को हटाते हैं। इंसुलेटर जानते हैं ना कि किसी वायर के ऊपर जो लगा होता है ना, जिसमें जो करंट के बहाव को रोकता है, यानी जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, तो इस तार को भी हमें छीलना पड़ता है जिस प्रकार से मोटर बाइंडिंग की वायर को छीलते हैं। तो सभी को हम यहां पर क्या करते हैं, छील लेते हैं, साफ कर लेते हैं, चाकू वगैरह का प्रयोग कर सकते
सकते हैं आप यहाँ पर, और इसी के द्वारा हम इसको साफ कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अब देखिए जब ये पूरी तरह से हमारा जो सभी वायर है ना सभी को हम साफ कर लेंगे, तो देखिए इसके अंदर देखिए दो दो तार मुड़ा हुआ था तो हम इस प्रकार से इसको अलग कर दिया। अब इसमें देखिए जिसको हम काट रहे हैं इसमें भी दो तार था, तो इसको जब हम काट देंगे ना तो ये एक ही हो जाएगा, मतलब एक ही तार था मुड़ के आया हुआ होता है, तो इसी प्रकार से हम इसको काट करके दो बना लेते हैं। अब देखिए सभी को दो बनाना अलग बात है, लेकिन जो तीसरे नंबर पर वायर होगा उसको बनाना अलग बात है। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये जो वायर होते हैं ट्रांसफार्मर के ए बी सी डी ई करके होते हैं, तो ए बी सी डी ई का मतलब समझिए यहाँ पर देखिए इसमें जो अलग तार निकला होता है यहाँ पर ये न्यूट्रल का एक तार अलग निकला होता है, बाकी के पांच तार देखिए एक साइड में यहाँ पे अलग निकले होते हैं ए बी सी डी ई करके अलग निकला होता है, और उस पर ए बी सी डी लिखा नहीं होता, न्यूट्रल के बाद से शुरुआत करते हैं वहां से देखते हैं तो यह ए बी सी डी और ये ई। तो हमने यहाँ पर देखिए जो डी वाला यहाँ पे वायर था इसी में से जो हमारे दो वायर निकले हुए थे इसी में से हम यहाँ पर दो उसमें थिम्बल लगाए हुए, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है ए बी सी डी। ए बी सी छोड़ करके डी वाला जो वायर है उसी को यहां पर हम दो भाग अलग कर रहे हैं, और इसमें जो जंक्शन का पॉइंट होता है जो थिंबल लगता है वो भी दो लगेगा। अभी हम आपको एक एक करके जब लगाएंगे तो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर ये जो वायर है ना ये जो वायर है ये थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको हम क्या करते हैं कैंची से इसको हम काट देते हैं, और काटने के बाद फिर से हम इसको साफ कर देंगे, और साफ करने के बाद जब हम कनेक्शन करते हैं अभी आपको तो एक एक कनेक्शन के एक एक पॉइंट को भी आपको दिखाएं। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया तारों को अलग कर लिए, और अलग करने के बाद ही हम देखिए इसी प्रकार से अलग करेंगे, और सारे की जो लंबाई है जो वायर निकला हुआ है उसको हम बराबर काटेंगे, बिल्कुल बराबर दोनों को काटेंगे, नहीं तो जो इसका थिंबल लगेगा वो आगे पीछे हो जाएगा। इसीलिए देखिए थिंबल हम इस प्रकार से लगाते हैं, इसका जो थिंबल है देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, थिंबल में दोनों वायरों को डाल करके प्लायर से दबा करके और बाद में हम ऊपर से क्या करेंगे इसको सोल्डिंग कर देंगे, जिसकी वजह से कभी भी शॉर्ट सर्किट या फिर जैसे कि स्पार्क नहीं करेगा, जिससे कोई दिक्कत बीच में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक थिंबल को लगा लिया, इसी प्रकार से जितने भी वायर निकले हुए हैं पांचों वायरों में थिंबल हम लगाएंगे, लेकिन हमने आपको एक चीज और बताया कि ए बी सी करके है और सी के बाद जो डी वाला वायर है उसमें दो थिंबल लगेगा, लेकिन तार देखिए सभी में दो दो निकले हुए हैं लेकिन जो थिंबल है उसमें एक ही में कवर कर लिया जा रहा है, लेकिन ए बी सी तक देखिए ये जो हमारा तीसरा पॉइंट में अभी हम लगा रहे हैं इसमें भी देखिए एक ही थिंबल लगाएगा, उसके बाद हम देखिए लास्ट वाले में लगा लिया। अब देखिए जो हमने बताया आपको कि डी ये सीरियल से ए बी सी उसके बाद ये देखिए हम डी वाले में लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ इसमें टोटल दो थिंबल लगेगा, वायर तो एक ही जगह से इसमें भी निकला था लेकिन इसमें हम दो थिंबल लगाते हैं इस वाले में। अब देखिए दो थिंबल लगाएंगे तो इसको जो जोड़ेंगे वो भी अलग अलग जगहों पर जोड़ते हैं, इसी डी वाले में ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसका कनेक्शन में, और बाकी सभी में क्या है कि रिले के एक एक पॉइंट को एक एक रिले में और ट्रांसफार्मर के एक वायर को एक रिले में दूसरे को दूसरे में इसी प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको अलग जोड़ देते हैं, अलग हमने इसको देखे डी वाले को हमने दो बना दिया। अब देखिए जब हमारा ये कंप्लीट हो चुका तो अब देखिए यहाँ पर ये जो इसके अंदर रिले वगैरह हैं ये सभी को हम देखिए यहाँ पर ऐसे फिट कर ली। अब इसमें लगाने के लिए हमें छोटा छोटा वायर की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए तीन वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखिए बराबर साइज का नाप करके इसमें और तीन वायर काट लेते हैं इस प्रकार से देखिए, और तीनों की जो साइज होगी वो बराबर होगी, और अब हम इसके क्या करेंगे इसके ऊपर यानी दोनों तरफ इसको छील करके और इसके दोनों तरफ यहाँ पर हम थिंबल लगा देंगे, और देखिए थिंबल कुछ इस प्रकार से होगा। टोटल अभी हम यहाँ पर तीन थिंबल तैयार कर लेते हैं और तीनों को इसमें लगा देंगे, तीनों थिंबल देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए ये जो हमने ऊपर का जो हमने पहले लगाया हुआ था यहाँ पर थिंबल इसको हम देखिए सोल्डिंग कर देंगे, जिसकी वजह से ये स्पार्क वगैरह नहीं करेगा, ज़्यादा अगर बोल्ट आती है ज़्यादा सप्लाई भी आती है तो भी यहाँ पर स्पार्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर हम बढ़िया तरीके से इसको सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर पूरा फाइनल कंप्लीट देखिए सोल्डिंग हम सभी में करते हैं, सभी में करना जरूरी है, नहीं तो ये क्या करेगा बार बार स्पार्क करेगा, इधर उधर दिक्कत करेगा, और बाद में सप्लाई में भी कभी कभी कट कर देगा, कभी कभी छोड़ दिया करेगा, तो दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डी वाला है यहां पर हमने बताया था आपको कि इसमें दो तार निकले थे, तो इसके दोनों तारों को हम क्या करते हैं एक ही में बांध भी देते हैं, देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं इन दोनों को एक में बांध देंगे, तो इससे क्या होगा अब ये दोनों किसी साइड में इधर उधर जाएगा नहीं, और दोनों एक दूसरे से सप्लाई भी मिली रहेगी, है तो दोनों एक ही ना, ये दोनों अलग नहीं है एक ही होता है, इसलिए यहां पर हम इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं और ऊपर से हम इसको अब सोल्डिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम जो छोटे छोटे वायर बनाए थे उस पर भी हम लगा देते हैं सोल्डिंग करके, और इसको भी हम मजबूती से जोड़ देते हैं, इसमें भी देखिए जहाँ भी जोड़ होता है हर जगह पे हम सोल्डिंग कर देंगे बढ़िया तरीके से, ताकि कहीं पर भी ये स्पार्क ना करे। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं, और इसको भी सोल्डिंग करने के बाद अब हम इसको देखिए स्क्रू ड्राइवर के द्वारा आसान तरीके से अपने रिले पर इसको अब हम लगाएंगे। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, अब इसके अलावा देखिए ये जो ट्रांसफार्मर वायर थे इस पर भी हम सोल्डिंग कर देते हैं, हमने आपको बताया जितने भी जोड़ है सभी जगह पर हम सोल्डिंग कर देंगे, ताकि
कोई भी तार स्पार्क ना करे। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें टेप भी मार देते हैं। ये जो हमारा छोटा वाला ट्रांसफार्मर था 909 वाला, तो इसको हम टेप मार देते हैं, जो बीच वाले वायर को जिसको हमने सीरीज बनाया था उसमें, तो दोनों में मार देते हैं, टेप लगा देते हैं इन और आउट दोनों के वायरों में। इस प्रकार से देखिए बीच वाले में हमने यहां पर इसमें टेप मार दिया। अब देखिए हम इसका करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए यहां पर देखिए हम अलग अलग वायरों का प्रयोग करेंगे। पहले यहां पर सोल्डिंग रांगा लगाने के बाद देखिए हम पांच वायरों का टोटल प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए हम सबसे पहले रेड कलर के एक वायर लगा रहे हैं जो कि पहले रिले में लगा रहे हैं। इसी प्रकार से हम पांचों रिले में से एक एक तार निकालेंगे और जो तार निकलेगा देखिए वो किनारे के पॉइंट से निकलेगा। अभी हम आपको एक एक करके सभी वायर दिखाते हैं। तो देखिए पहला जो वायर हमने रेड कलर में जोड़ा है, दूसरा यहां पर येलो कलर में जोड़ रहे हैं। देखिए ये जो वायर है, देखिए ये साइड वाला पॉइंट जिसको हमने मोड़ा था उसी में जोड़ा जा रहा है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर जो टोटल पांच रिले लगे हुए हैं, तो सभी रिले में हमें एक एक तार जोड़ना है, यानी टोटल पांच तार इसमें से बाहर निकलेंगे। पांच रिले से पांच तार इसमें टोटल बाहर निकलते हैं। देखिए हमने दो तार यहां पर हम जोड़ चुके हैं, अब हम इसको देखिए तीसरा तार जोड़ेंगे। तीसरा तार हमें जोड़ना है, तो इसी प्रकार से हम उसमें तीसरा भी जोड़ लेते हैं और चौथा भी जोड़ लेते हैं। देखिए जब हम चारों तार यहां पर इस प्रकार से आपको जोड़ के दिखा देते हैं, तो देखिए जब हमारा इसमें चारों तार जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। देखिए यहां पर जोड़ा गया और चारों के चारों जो वायर है वो चार कलर से जोड़े गए, चार रिले में जोड़ दिया गया। अभी एक जो पांचवा रिले बचा हुआ है उसमें भी हम एक तार अभी जोड़ेंगे और उसमें भी अलग कलर का जोड़ेंगे। तो देखिए हमने यहां पर चार वायर चार रिले में जोड़ दिया है सबके साइड साइड में, और ये जो चारों वायर है ना, ये पांचों वायर ये पीसीबी में जाएंगे। देखिए यहां पर हमने पांचवा वायर व्हाइट कलर में जोड़ दिया, तो पांच रिले के पांच पॉइंट निकले हुए हैं। ये देखिए पीसीबी का इसका जो पॉइंट है उसी में ये पांचों जोड़े जाएंगे। किस प्रकार से जोड़े जाएंगे आगे हम आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर पांच वायर जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक ब्लैक कलर का वायर लेते हैं और देखिए ये सबके जो आखिरी वाला सिरा है यानी दूसरे साइड का, उसको हम क्या करते हैं एक ही में जोड़ते जाएंगे। पूरा पूरा एक ही में रहेगा यानी सब ये डायरेक्ट रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा देखिए हम इस प्रकार से इंसुलेटर हटा करके और सभी को एक ही में जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने चार रिले को जोड़ दिया और इस प्रकार से देखिए चारों रिले एक दूसरे में जुड़ चुका और एक ब्लैक कलर का वायर भी बाहर निकल चुका, यानी टोटल पांच तो रिले के तार निकले हुए हैं और एक ब्लैक कॉमन के रूप में निकला हुआ है, यानी टोटल इसमें से देखिए छह तार निकले हुए हैं। पांच तो हमने आपको साइड में दिखाया और टोटल ये छह तार निकले हुए, एक ब्लैक कलर का निकला हुआ है। ब्लैक कलर का जो एक वायर है वो पांचों रिले में जुड़ा हुआ है, सबको डायरेक्ट करते हुए यहां तक आया हुआ है। तो देख पाएंगे इस प्रकार से देखिए ब्लैक वाला भी आया हुआ है और व्हाइट वाला भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो टोटल वायर है वो छह हैं और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए देखिए यहाँ पर जिसके द्वारा हम बैटरी वगैरह को लॉक करते हैं उसी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लॉक क्यों करते हैं कि कोई भी तार इधर उधर न दिखे और इधर उधर निकला ना हो, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस वायरों को सभी वायरों को हम एक साथ पकड़ करके एक ही में लगा करके इसको बढ़िया तरीके से लॉक कर देते हैं इसी में, ताकि ये वायर जो है वो इधर उधर ना जाए, कोई भी वायर कहीं पर कोई खिंचा ना जाए, कोई कभी टूट न जाए, इसीलिए हम एक ही में जब लॉक कर देते हैं इसको, तो इसको हम बढ़िया तरीके से देखिए इसी प्रकार से हम लॉक कर देते हैं। इसमें टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कि जितना मजबूत ये पकड़ेगा उतना मजबूत टेप नहीं पकड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे कई लॉक लगा देते हैं और ये जो वायर देखिए यहां पर टोटल लॉक के द्वारा हमारा कंप्लीट वायर निकलेंगे। उन वायरों की संख्या टोटल छह होगी, क्योंकि इसमें पांच जो है हमारे रिले के लगेंगे और एक जो हमारा कॉमन का रिले में से ही निकलेगा। अब देखिए लॉक के ऊपर का पॉइंट काटने के बाद देख पाएंगे इस प्रकार से टोटल हमारे जो वायर है वो छह निकले हुए हैं। अब देखिए ये जो हमारा एलटी वाला 22 वोल्ट एलटी जो बड़े वाले ट्रांसफार्मर से दो तार निकले हुए हैं, इसके भी हम दो तारों को जोड़ लेंगे। इसमें से टोटल चार निकले हुए हैं, लेकिन हम दो ही का यूज करेंगे, दो को खाली छोड़ देंगे उसी प्रकार से। और ये देखिए जो बाहर के दो वायर निकले हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं 22 वोल्ट एलटी को, इसमें भी हम दो वायर जोड़ेंगे और दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों वायरों को देख पाएंगे हमने कुछ इस प्रकार से लपेट दिया। अब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। देखिए ये जो दोनों वायर हैं दोनों को हम एक ही कलर से निकाल रहे हैं यहाँ पर, और इसके बाद देखिए जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सोल्डिंग कर देंगे जिसकी वजह से कुछ नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा वायर था उसको काट के निकाल लेंगे, और बाद में हम इस पर क्या करेंगे टेप लगा देंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे में या फिर बॉडी में कहीं पर भी टच ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों वायरों में हम यहाँ पर टेप भी लगा देते। इस प्रकार से इन दोनों वायरों का देखिए कलर एक ही है। तो दो वायर देखिए ये भी हमारे हो गए, जो छोटे वाले वायर निकले हुए थे ट्रांसफार्मर के वहाँ से, और ये जो एक्स्ट्रा तार इसमें से निकला हुआ था बचा हुआ दो, उसको हम जड़ से काट देते हैं, जिसकी वजह से ये भी कहीं बॉडी में टच ना हो। और देखिए ये जो दो वायर हैं वो तो खाली रहेंगे, बाकी के दो वायरों को हम सिर्फ यूज करेंगे इसमें से एलटी वाले में से, ये पतला वाला वायर में से। अब देखिए यहां पर हम इसको भी हम क्या करते हैं लॉक के द्वारा बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं और बाद में हम इसको काट करके निकाल देंगे, यानी लॉक का जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हम काट करके बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम उसको भी काट करके यहां पर निकाल देते हैं सभी को, और यहां से इसमें से हमारा टोटल जो वायर निकला है देखिए वो दो ही निकला है, और ये जो दोनों वायर
निकला, बाकी के दो तो उसी में फ्री हमने छोड़ दिया, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली ही उसी में रहता है। और यहां पर देखिए ये जो दोनों वायर है वो यहां पर अभी हमारा एक ही में जुड़ा था, हमने इसको काट करके अब अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब ये देखिए हमने एक ही में जोड़ दिया था ताकि दोनों वायर बराबर हो जाए, तार कोई भी नुकसान ना हो। तो देखिए अब देखिए तो टोटल देखिए 5 वायर तो रिले में से निकले हुए थे और 2 वायर यहां पर हमारे निकल गए बड़े वाले ट्रांसफार्मर में से। अब देखिए 2 वायर और हमारे निकलेंगे जो कि यहां पर हमारे छोटे वाले ट्रांसफार्मर में से निकलेंगे। ये छोटे वाले ट्रांसफार्मर में से वही 9 × 18 × 36 वोल्ट वाला, यानी 36 वोल्ट के 2 वायर आउटपुट डीसी वाला निकलेंगे। तो यहां पर हमारे जो देखिए छोटे वाले ट्रांसफार्मर में से भी हम 2 तार यहां से क्या करते हैं निकाल लेते हैं आसान तरीके से। अब ये दोनों वायर निकालने के बाद इसके जोड़ को भी हम देखिए सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने से क्या होगा कि कोई भी स्पार्क वगैरह नहीं करेगा, यहां पर भी टेप वगैरह मार देंगे, हमारा जो वायर एक्स्ट्रा होगा वो वहां पे टेप लगा देंगे और टेप लगाने के बाद इसमें से भी हमारा टोटल 2 वायर निकलेगा ट्रांसफार्मर से। अब देखिए हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करने के बाद यहां पर देख पाएंगे लाख लगा के उसको काट देंगे और ये जो ट्रांसफार्मर का वायर हम निकाले देखिए दोनों ब्लू कलर से निकाले हैं और जो बड़े वाले ट्रांसफार्मर से निकला था देखेंगे यहां पर ब्राउन कलर से निकला था और ये ब्लू कलर से निकला है और ये दोनों एक ही कलर से निकला है। अब हम क्या करेंगे देखिए सभी वायर को जो हमारा बड़े वाले ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकला उसको साइड करते हुए और जो छोटे वाले से निकला हुआ है उसको सभी को हम क्या करेंगे लाख लगा करके एक ही में सबको एक साथ बांध देंगे। अब यहां पर टोटल वायरों की संख्या आप समझ सकते हैं कि टोटल इसमें 10 वायर हो चुके हैं। कैसे कि 5 रिले से निकले हुए हैं और एक रिले का कॉमन निकला हुआ है। देखिए ये जो टोटल वायर है इसमें 6 वायर होंगे, यानी 5 रिले से हैं और एक कॉमन है तो 6 वायर हो गए और 2 बड़े वाले ट्रांसफार्मर से निकले हुए हैं और उसके अलावा 2 वायर ब्लू वाले जो निकले हुए हैं ये छोटे वाले ट्रांसफार्मर से निकले हुए हैं। तो टोटल जो वायरों की संख्या हो गई यहां पर वो 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे सभी 10 वायरों को लाख लगा करके एक ही में बांध दिया जाए। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे इस पे लाक लगाएंगे और लाक लगा करके इसको सबको एक में जोड़ देंगे। अब देखिए कोई भी वायर इसमें एक दूसरे से इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, सारे के सारे वायर देखिए यहां पर एडजस्ट हो चुके हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर का भी जो इनपुट वाला 2 वायर है वो बचा हुआ है, लाक लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पर हम उसको काट करके निकाल देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा वायर निकला हुआ है ना ये टोटल 10 वायर निकला है। अब यहां पर हम देखिए 3 जो हमने थिंबल बनाया था थिंबल दोनों साइड में वायर लगा करके इसको भी हम जोड़ लेते हैं, यानी रिले के एक पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं और टोटल इसमें देखिए इस प्रकार से हम 3 पहले लगाएंगे और इसी प्रकार से देखिए हम अब क्या करते हैं इसको स्क्रूप लगा करके इसको हम टाइट करके आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए यहां पर हम स्क्रूप लगाएंगे और देखिए सभी को अभी हम लास्ट में आपको स्लो करके दिखाएंगे, एक एक करके कनेक्शन भी समझा देंगे कि ये किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर देख पाएंगे इसी प्रकार से हम सभी को जोड़ देंगे बढ़िया तरीके से, स्क्रूप को बढ़िया से टाइट करना होगा। 3 वायर अभी हमने यहां पर बनाया था तो तीनों को हम यहां पर एक दूसरे से रिले को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए पहले रिले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इस प्रकार से देख पाएंगे आप। यहां पर देखिए पहले इस प्रकार से जोड़ा गया, इसको यहां पर जोड़ा गया है और ये वाला पॉइंट है देखिए साइड से और ये सब क्या सब हो गया सीरीज कनेक्शन में, यानी रिले के एक पॉइंट को दूसरे से जोड़ दिया गया। अब हम देखिए क्या करते हैं इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है और इसको हमें जोड़ना कहां है ट्रांसफार्मर में, जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है उसमें ए बी सी डी करके निकला हुआ था। तो देख पाएंगे ये पहला वाला जो वायर है वो ए निकला हुआ था सबसे किनारे, तो न्यूट्रल का था, उसको हम अभी देखिए साइड में छोड़ देते हैं और उसके अलावा ए बी सी डी से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले ए वाला था उसको हम पहले वाले रिले में लगा करके जोड़ देंगे, स्क्रूप के द्वारा टाइट कर देंगे और दूसरे वाले को बी में जोड़ेंगे, तीसरे वाले को सी में जोड़ेंगे। इस प्रकार से 3 तो जोड़ेंगे लेकिन डी का जो कनेक्शन है वो अलग है। तो देखिए हम इस प्रकार से स्क्रूप से आपको कंप्लीट टाइट करके दिखा देते हैं। इसी प्रकार से आपको स्क्रूप लगा करके इसको बढ़िया तरीके से टाइट कर देना होगा और ए बी सी करके आपको ध्यान देना होगा, पहला वाला दूसरे में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे और स्क्रूप लगा करके देखिए पहला हमारा जुड़ चुका है। अब हम इसको दूसरा भी जोड़ देते हैं, दूसरा जोड़ने के बाद हम तीसरा भी जोड़ देंगे। तीसरा देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को हम यहां पर चौथे वाले में जोड़ रहे हैं। यहां पर देख पाएंगे तीसरे वाले वायर को हम चौथे में जोड़ रहे हैं, यानी ए बी सी वाले वायर को हम चौथे वाले रिले में जोड़ रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद इसको भी हम स्क्रूप लगा करके बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का वायर बचेगा वो डी वाला बचेगा और डी के बाद एक और वायर बचेगा ई वाला। अब जो देखिए डी वाला जो वायर होता है इसमें से हमने आपको पहले बताया था कि इसमें से 2 वायर निकला होता है। देखिए हम आपको अभी डी वाले का कनेक्शन दिखाते हैं। जो डी वाला वायर है जिसमें से 2 वायर निकले हुए होते हैं इसको हम जोड़ते हैं तीसरे और चौथे दोनों रिले में जोड़ते हैं। देखिए चौथे रिले में हमने अभी तीसरा वाला वायर भी जोड़ा है लेकिन इसको भी हम तीसरे और चौथे दोनों में जोड़ते हैं, जो कि किनारे वाला पॉइंट होता है उसी में जोड़ते हैं। तो देखिए ये हमारा जो तीसरा वाला वायर है
इसको हमने चौथे वाले में जोड़ दिया और उसके बाद देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास दो वायर निकले हुए हैं ये चौथे वाले में से, और इसको देखिए हम कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो रोक करके एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके आप इसको देख सकते हैं आराम से। ये पूरे वायर देखिए हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ए बी सी डी ई करके एकदम सीरियल से निकला होता है, ये इधर उधर नहीं होता है और उसी हिसाब से इसका कनेक्शन भी कम करते हैं। और इसके बाद देख पाएंगे ये जो हमारा 909 वाला ट्रांसफार्मर था ये रेड कलर वाला देखिए सीरीज में बनाया गया था, और यहां पर दो वायर इनपुट के हैं और इधर आउटपुट के हैं। आउटपुट का जो वायर है देख पाएंगे ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा देखिए 9 × 18 × 36 वोल्ट की डीसी सप्लाई आउट करेगा, और ये अंदर वाले पॉइंट को अंदर में जोड़ दिया गया है और बाहर वाले पॉइंट को बाहर में जोड़ा गया है। और टोटल इस ट्रांसफार्मर से देखिए दो वायर निकले हुए थे और यही दोनों वायर देखिए हमने क्या किया इसमें टोटल बांध दिया गया, उसमें टोटल 10 वायर हो चुके हैं। ये हमारा छोटा वाला ट्रांसफार्मर था, और बड़े वाले ट्रांसफार्मर से भी हमारा देख पाएंगे इस प्रकार से है। इसका हम पूरा कनेक्शन आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से देखिए ये पहला वाला वायर ए वाला यहां पे आया हुआ है, बी वाला दूसरे रिले में है, सी वाला देख पाएंगे यहां पर आखिरी वाले रिले में है, और उसके बाद डी वाला देख पाएंगे इसके अंदर से दो वायर निकले हुए हैं जो कि दोनों पे यहां पे जोड़ा गया है। और इसी प्रकार से देखिए ए बी सी डी ई करके ये पांचों के पांचों वायर हैं, और डी वाले में से दो तार निकले हैं देख पाएंगे दोनों रिले में जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से हमें कनेक्शन करना होता है। अब हम देखिए कनेक्शन जो हमारा ये पूरा है ये फाइनल यहीं पे अभी कुछ कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अभी इसमें पीसीबी वगैरह लगाना जो है वो बाकी है। अब देखिए ये पीसीबी वगैरह लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का एक साइड वाला वायर होता है ना ये न्यूट्रल का वायर होता है, ये अलग जगह से निकला ही होता है, और इसमें जो कनेक्शन होता है वो भी अलग तरीके का होता है। अलग तरीके का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट इन करवा लिया जाता है। देखिए यहां पर देखिए हम न्यूट्रल की सप्लाई जो ट्रांसफार्मर का पॉइंट है उसी में इन करवाते हैं, और फेस वाला पॉइंट यहां पर रिले में इन करवाते हैं और न्यूट्रल का ट्रांसफार्मर में इन करवाते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर में यहां पर हम तार जोड़ रहे हैं, एक देखिए दो तार हम जोड़ रहे हैं, और दो तार जोड़ने का यह कारण है कि एक हम इनपुट में जोड़ देंगे और एक आउटपुट में जोड़ देंगे, यानी एक के द्वारा न्यूट्रल आएगा और दूसरे के द्वारा न्यूट्रल वापस जाएगा। यहां पर जोड़ करके हम यहां पे सोल्डिंग भी कर देते हैं। इनपुट आउटपुट में देखिए क्या होता है, न्यूट्रल को तो हमें कंट्रोल करना नहीं होता, न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए वो उसी से आएगा और वही वाला न्यूट्रल बाहर भी चला जाएगा, लेकिन जो कुछ वोल्टेज के साथ कलाकारी होती है वो सब कुछ फेस में ही होता है। तो यहां पर न्यूट्रल के दो वायर को हम यहां पर जोड़ रहे हैं, जिसको एक को इनपुट में जोड़ेंगे और दूसरे को हम आउटपुट में जोड़ेंगे। उसके अलावा हम देखिए एक ब्लैक कलर का भी छोटा सा तार जोड़ लिए हैं, न्यूट्रल के लिए प्रयोग करेंगे, इसको हम ट्रांसफार्मर में ले जाकर के जोड़ देंगे और अपने इंटीग्रेटर के लिए जो छोटा सा हमने एक बल्ब लगाया हुआ है उसमें भी ले जाकर के जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें से देखेंगे तीन तार हैं, जिसमें दो हमने रेड कलर का जोड़ा है ये इनपुट, और आउटपुट एक ब्लैक कलर का जोड़ा है यहां पर, जो कि हम अपने यहां पे वोल्ट मीटर में भी लेकर के जाएंगे और इंटीग्रेटर में भी लेकर के जाएंगे और ट्रांसफार्मर में भी लेकर के जाएंगे। यहां पर देखिए इनपुट आउटपुट में हमने क्या किया, न्यूट्रल को पीछे साइड में बाहर निकाल दिया। अब देखिए इन दोनों वायर से क्या होगा, न्यूट्रल की सप्लाई इन होगी, देखिए दोनों से न्यूट्रल की सप्लाई इन होगी और इसको न्यूट्रल की तरफ बाहर निकाला भी गया है। बाद में हम इसको अब क्या करेंगे, इसको छील करके जोड़ लेंगे इंसुलेटर हटा करके। इस प्रकार से देखेंगे पीछे दो तार निकला हुआ है, ये दोनों न्यूट्रल का वायर होगा, एक से इन और एक से आउट का होगा। अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का हमारा एक तार था इसको भी हम क्या करते हैं यहीं पर जोड़ देते हैं, और इसमें क्या हुआ ट्रांसफार्मर जो छोटा वाला हमारा है उसको भी क्या होगा यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाएगी जब हम इसको हम ब्लैक वाले में जोड़ देंगे। तो एक तार को तो हम ब्लैक वाले में जोड़ देते हैं, किसी एक को जोड़ सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तार को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्डिंग कर देंगे, सोल्डिंग करने के बाद हम इस पर टेप लगा करके चिपका देंगे बढ़िया तरीके से। अब देखिए न्यूट्रल जो हमारा है वो ट्रांसफार्मर को भी मिल गया। अब देखिए इसको भी हम वायर लॉक के द्वारा यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद अब इसका हमें देखिए कनेक्शन अभी थोड़ा सा आपको ध्यान देना यहाँ पर होगा कि अब देखिए न्यूट्रल जो हमारा है वो छोटे वाले ट्रांसफार्मर में भी पहुंच चुका, लेकिन ये बड़ा वाला देखिए ब्लैक कलर का जो वायर है इसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर में जोड़ा गया है उस वायर को और आगे निकाला गया है, और ट्रांसफार्मर का देखिए ये जो दूसरा वायर है इसको फेस की जरूरत है, तो यहाँ पर हम रिले में जोड़ देंगे और यहीं पर फेस को हम इन भी करवाएंगे। अब देखिए ये हम दूसरा एक वायर ले लेते हैं, छील लेते हैं, ये मोटा जो हमारा कि 4 mm का वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे छील करके बढ़िया तरीके से इसको भी देखिए हम पीछे निकाल लेते। आउटपुट में दो वायर निकल चुका है और इनपुट में एक ही वायर यहाँ पर अभी निकला हुआ है, देखिए इनपुट का भी एक वायर बाकी है। अब देखिए ये जो अंदर अंदर के हमने आपको दिखाया ये हमारा न्यूट्रल का है एक ही है, और देखिए फेस का वायर देखिए इसी प्रकार से हमारा बाहर आया हुआ है। तो ये देखिए ये जो हमारा फेस का वायर है यहीं से रिले के पॉइंट से आउट करवाया गया है। इस रिले में देखेंगे ट्रांसफार्मर का कोई भी वायर नहीं जोड़ा गया, जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर था उसका कोई भी वायर पांचवें रिले में हमारा नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख पाएंगे अब हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं, थोड़ा सा वायर पर सोल्डिंग लगा देते हैं, और जो इनपुट और आउट
आउटपुट का ये पॉइंटर होता है, इसके वायर में हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। और इसके प्लेट पे लिखा भी होता है कि हमें किधर न्यूट्रल और किधर फेस निकालना चाहिए नियम के अनुसार, तो उसी प्रकार से हम इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एमसीबी का पॉइंट है, ये एमसीबी पॉइंट में हमारा फेस मेन सप्लाई इन होगी। जैसे देखिए जब हमारा फेस इन होगा तो सबसे पहले वो एमसीबी में जाएगा। एमसीबी क्या होती है, ये शॉर्ट सर्किट कहीं पर होने पर सप्लाई को कट कर देती है। और एमसीबी के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्लेट बना रहे हैं जिसके द्वारा एमसीबी को यहाँ पर आगे वाले जो फ्रंट वाला जो इसकी बॉडी थी उसी में टाइट किया जाएगा इस प्रकार से। तो इस एमसीबी को देखिए हमें इसकी बॉडी में लगा देना है यहाँ पर। और एमसीबी को लगाने के बाद अभी हम इसका कनेक्शन भी करेंगे और इंटीग्रेटर का भी, हमारा जो छोटा सा बल्ब लगाए उसका भी कनेक्शन करेंगे। एमसीबी को हम यहाँ पर दो स्क्रू के द्वारा लगा करके टाइट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। और देखिए ये भी एक जुगाड़ से ही बनाया गया, इसमें कोई भी मतलब इसमें कुछ लगाने के लिए नहीं था, टाइट करने के लिए नहीं था, इसलिए इसमें इस प्रकार से हम यहाँ पर प्लेट बना करके लगा दिए। अब इससे इसके कनेक्शन को यहीं पर समझने की बात है। देखिए ज़्यादा से कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लगभग थोड़ा सा बस बाकी है। अब देखिए ये जो फेस का पॉइंट है ना, आप समझिए जैसे ही फेस की सप्लाई जो है वो सबसे पहले एमसीबी में इन होगा, सबसे पहले एमसीबी में इन होगा। और एमसीबी से आउट होने के बाद देखिए आगे गया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम फेस की सप्लाई को बाहर निकाल रहे हैं जो कि मेन है। अब देखिए ये फेस हमारा गया क्या है, एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में देख रहे हैं गया हुआ है, और ऊपर वाले पॉइंट से आउट करवा करके हम रिले को दिया जाएगा, और ऊपर वाले पॉइंट से आउट करवा करके हम वोल्ट मीटर को भी देंगे। ये जो वोल्ट मीटर को देंगे वो इनपुट वोल्ट को देंगे ताकि जैसे ही डायरेक्ट लाइट आए तो वो हमें बताए कि लाइट कितनी वोल्ट आ रही है। वोल्ट मीटर का कनेक्शन जानते हैं कि इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिया जाता है, तो अभी इनपुट वाले में दोनों दिया जाएगा, जबकि आउटपुट वाले में तो न्यूट्रल अभी डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फेस को देखिए यहां पर अभी जोड़ा गया है, तो एमसीबी का आउट वाला पॉइंट देख पाएंगे इस प्रकार से। एमसीबी से आउट करवाने के बाद यहाँ पर हम थिम्बल लगाएंगे, और थिम्बल लगाने के बाद इसको हम रिले में टाइट कर देंगे। ये जो रिले है देखिए इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, रिले में लगा करके टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद ये देखिए हमारा जो पीछे वाला पॉइंट था जो जंक्शन पॉइंट है उसमें भी लगा करके हम वायर को बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सोल्डिंग वगैरह लगा करके, देखिए ये फेस की सप्लाई है, ध्यान दीजिएगा ये फेस की सप्लाई है और इसी को हमें अब जोड़ना है। तो देखिए फेस की सप्लाई इस वाले रिले में, हमारे पहले वाले रिले में यहाँ पर जोड़ दिया गया है, पहले वाले रिले में फेस की सप्लाई को इन करवाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा छोटा बल्ब है इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, ऐसे टच करवाएंगे तो किधर रेड जल रहा है किधर ग्रीन जल रहा है वो हम यहाँ पर चेक कर पाते हैं आसान तरीके से। केवल हाथ से ही पकड़े रहते हैं तो ये बल्ब जलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये रेड वाला है और ये ग्रीन वाला है। तो इसी प्रकार से ग्रीन वाले को हम उसी में जोड़ते हैं जो हमारा आउटपुट है। और देखिए ये छोटा बल्ब को जलाने के हम के लिए हम रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं 100K का। ये रेजिस्टेंस अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो बल्ब इतना छोटा है कि वो फ्यूज हो जाएगा, अगर वो बल्ब फ्यूज हो गया तो समझ ही रहे संकेत नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का भी प्रयोग करेंगे, और रेजिस्टेंस को देखिए हम वोल्ट मीटर के साथ ही जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इससे क्या होगा कि हमें देखिए ये जो अभी सप्लाई जोड़ रहे हैं, देखिए ब्लैक कलर का वायर हमने आपको पहले बताया था कि ये न्यूट्रल का वायर है, और दोनों वोल्ट मीटर में जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट जाएगा ट्रांसफार्मर में जाएगा और इनपुट आउटपुट में जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है ना ये सभी में डायरेक्ट ही दे दिया जाता है। और छोटे वाले देखिए इंटीग्रेटर में भी इसको डायरेक्ट दे दिया गया, यानी ये जो इंटीग्रेटर है अभी एसी सप्लाई इसमें देखिए न्यूट्रल को सप्लाई डायरेक्ट दिया गया छोटे वाले इंटीग्रेटर को भी। और इसके बाद जब इसमें फेस लगेगा तो रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा। यहीं पर देख पाएं ये जो दो वायर जुड़े हुए हैं ये न्यूट्रल का वायर था, और न्यूट्रल का वायर देखिए यहां से गया हुआ है सीधे, देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से गया हुआ है यहाँ पर दोनों वोल्ट मीटरों में, और यहाँ छोटे वाले ट्रांसफार्मर में भी गया हुआ था। यहाँ पर जो जोड़ है देख पाएंगे उसमें हम सोल्डिंग कर देते हैं बढ़िया तरीके से, सोल्डिंग करके इसको रंगा लगा देते हैं। ये वोल्ट मीटर के पॉइंट के ऊपर हम सोल्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए और वायर को हम यहाँ पर छील लेते हैं, और यानी उसके ऊपर के इंसुलेटर को हटा लेते हैं। और हटाने के बाद देखिए ये जो सप्लाई हमारी है ये फेस की सप्लाई है, इसको देखिए हम अपने इस ट्रांसफार्मर के बगल में जो रिले लगा हुआ है ये पहला रिले है, इसमें क्या करते हैं हम सोल्डिंग कर देते हैं। ये फेस की सप्लाई है, समझिए ये फेस की सप्लाई है और ये मेन फेस की सप्लाई यानी इनपुट वाला है। इनपुट का मतलब देखिए रिले जो हमारा एमसीबी का पॉइंट था देख पाएंगे इसी में आया हुआ है, तो इसी को हम वोल्ट मीटर में जोड़ दिए। अगर हम चाहते तो इसको यहाँ पे एमसीबी में भी जोड़ सकते थे, क्योंकि जो इनपुट वाला वोल्ट होता है उसको डायरेक्ट फेस की जरूरत होती है ना, न्यूट्रल फेस दोनों डायरेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम इसी में जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से कार्य करेगा। अब देखिए इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग से वायर लेते हैं, और इस ये जो वायर क्या है ये हमारा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, और ये पीले
पीले कलर का वायर, तो पीले कलर का वायर और रेजिस्टेंस एक साथ आउटपुट के वोल्ट मीटर पर जोड़ दिया जा रहा है, यानी आउटपुट पे वोल्ट मीटर पे जोड़ दिया जा रहा है, ताकि जब ये आउटपुट वाला पॉइंट हो तो हमारा ये जो इंटीग्रेटर लगा हुआ है वो जले। देखिए ये आउटपुट का पीले कलर का वायर लग रहा है, इसको यहाँ पर अभी हमारा रिले में जोड़ा जाएगा। किस वाले रिले में जोड़ा जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से देखिए ये जो हमारा रिले है ये पांचवा रिले है, पांचवें वाले रिले में इसको जोड़ा जा रहा है, और पांचवें रिले के किस पॉइंट में जोड़ा जा रहा है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और अभी हम आपको वीडियो को स्लो करके भी दिखाते हैं कि ये जो पांचवा वाला जो पीला वाला वायर है ये जो इसमें किस में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमें इंटीग्रेटर में भी जोड़ दिया गया जो कि ग्रीन वाले में जोड़ा गया, और पीले कलर का वायर जो है नीचे रिले पांचवें रिले में भी जोड़ा गया। तो पीले कलर का दो वायर निकाला गया, देखिए ये रेजिस्टेंस के द्वारा एक वायर निकाल करके इंटीग्रेटर में जोड़ा गया है और एक डायरेक्ट आकर के पांचवें वाले रिले में जोड़ दिया गया। तो इसी प्रकार से यहां पर देखिए हमारा जो कनेक्शन लगभग अभी पूरा होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए अभी एक पॉइंट यहां पर बचा हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन करना बाकी है। अब इसमें जो हमारा कनेक्शन होगा ये ओवरलोड का होगा। ओवरलोड का मतलब कि देखिए वहां पर इंटीग्रेटर में जोड़ेंगे और यहां पर इसमें जोड़ेंगे, इससे क्या होगा कि जब लाइट अगर ज्यादा होगी ज्यादा वोल्ट आउट करेगा स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक तरीके से कट कर देगा, तो रेड कलर की पावर जलेगी, रेड कलर का इंटीग्रेटर जलेगा, इसीलिए वहां पर हम इसको जोड़ेंगे। और यहां पर जोड़ने के लिए भी देखिए हम यहां पर रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, यानी रेजिस्टेंस के द्वारा ही बल्ब को जलाएंगे। तो बल्ब जो हमारा है वो दो जगह से जलेगा, तो इसमें दो रेजिस्टेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहां पर ये साइड वाला पॉइंट, अभी बल्ब के अंदर तीन पॉइंट है ना, ये जो साइड वाला पॉइंट है उसको यहां से लेकर के जाना है, एक वायर यही ये वाले पॉइंट से लेकर के जाना है और वो अपने इंटीग्रेटर के रेड वाले पॉइंट में जोड़ना है। इसी पॉइंट को देख पाएंगे, इस प्रकार से हमें यहां से जोड़ना है। तो चलिए हम एक वायर के द्वारा आपको जोड़ करके इसको कंप्लीट दिखा देते हैं। और उसके अलावा देखिए ये जो हमारा वायर है 10 वायर है, इसमें टोटल हमने आपको बताया था 10 वायर, और ये 10ों के 10ों जो वायर है ये हमारा जोड़ा जाएगा पीसीबी के प्लेट पर। ये देखिए इसके पीसीबी का प्लेट है, और पीसीबी के प्लेट पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग ऐसे लाइनें बनी होती हैं, और इन लाइनों को अभी हम आपको सीधे तरीके से दिखाते हैं। तो इस पर लिखा भी होता है कि किसमें कौन सा पॉइंट जोड़ा जाएगा, ये देखिए। इसके अलावा एकदम सीरियल से इसमें लिखा होता है कि किस वाले पॉइंट में कितना जोड़ा जाएगा। टोटल 10 वायर निकले हुए हैं और 10ों वायर में एक एक करके इसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 10 वायर कहां से आए हुए हैं वो देख सकते हैं कि दो ट्रांसफार्मर से आए हुए हैं, उसके बाद यहां पर हमारे 6 तार जो है कि रिले से टोटल आए हुए हैं, और दो बड़े वाले ट्रांसफार्मर से आए हुए हैं। तो टोटल 10 वायर आए हुए हैं यहां पर देख सकते हैं, और दो दो इधर देखिए दो, ये इस वाले पॉइंट पे देखिए इसमें लिखा हुआ है LT22, उसके बाद लिखा है कॉमन, और R1 R2 R3 R4 जो लिखा हुआ है उसी में हम अपना एक एक करके जोड़ेंगे, पहला रिले दूसरा रिले तीसरा रिले चौथा रिले और पांचवा रिले, और उसके बाद जो कॉमन लिखा है उसमें हम ब्लैक वाले वायर को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसका हमें कनेक्शन करना होता है। वायर को देख सकते हैं कितना वायर निकला है, एलटी वाले में यही वाला वायर जोड़ेंगे जो कि हमारा ब्राउन कलर का निकला हुआ है, यानी ये जो ब्राउन वाला वायर निकला हुआ है इसको हम एलटी वाले में जोड़ेंगे। देखिए साइड में यहाँ पे एलटी वाला पॉइंट होता है ना, LT22 वोल्ट लिखा है ना, उसी में इसको जोड़ेंगे। और उसके अलावा R1 R2 का देखिए ये ब्राउन वाला एलटी वाले में हमने जोड़ना है, उसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर से आएगा उसको हमें जोड़ना है, और उसके बाद R1, R2, R3, R4, R5 जो लिखा हुआ है इसमें हम अपने ट्रांसफार्मर के वायर को जोड़ेंगे। इसी प्रकार से हम इसको एक एक पॉइंट को कनेक्शन कर देंगे, और फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर है जो हमारा स्टेबलाइजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके आप एक एक कनेक्शन को अंदर को समझ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए हम कनेक्शन करते जाते हैं, अब इसको हम कंप्लीट आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं, चालू करके भी दिखाते हैं। यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस समय लाइट जो है वो कट चुकी है, इसीलिए हम अभी इसको जोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद जोड़ेंगे। अभी हम आपको यहां पर फाइनली कंप्लीट बस इसी प्रकार से समझा देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है जो हमारा स्टेबलाइजर है वो बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बस हमें वो पीसीबी वाला पॉइंट है वही जोड़ना है। उसके बाद जो हमारा ये रिले है ये बढ़िया तरीके से जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है जो हमारा स्टेबलाइजर है ये पूरी तरह से काम करेगा। MCB शॉर्ट सर्किट होने पर सप्लाई को कट करती है, वोल्ट मीटर इसमें दो लगा हुआ है जो कि एक इनपुट एक आउटपुट है, इसी प्रकार से ये कार्य करता है। तो अगर आपको स्टेबलाइजर से संबंधित थोड़ी बहुत शिकायत या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत